अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है आप सबके। दुआ है और उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और देख रहे होंगे अपना फेवरेट शो जौक जिंदगी। जौक जिंदगी में आज क्या बन रहा है, वो फ्राइड पॉम्फ्रेट, ये छोटी छोटी पॉम्फ्रेट्स होती हैं जो आप शादियों में जाते हैं और आप इसको खाते हैं और इंजॉय करते हैं, तो फ्राइड पॉम्फ्रेट आप लोगों के लिए बन रही है। ये हमें चाहिए है पॉपलेट मछली और छोटे साइज की लीजिएगा, साफ कर लिया है और इसको इस तरीके से हम दोनों साइड के ऊपर कट्स लगा दे रहे हैं। छुरी की मदद से आप कट लगा दीजिएगा, इनको धो लीजिए। धोने के बाद जरा सा नींबू लगाकर थोड़ी देर रख दीजिए, जो कि मैं रख चुकी हूँ। उसके बाद अच्छे तरीके से आपने टिश्यू से या क्लीन डस्टर से आपने इसको वाइप आउट कर लिया है। हार्ड फॉर्म मीट है, स्मेल लेस है, यही पहचान है ताजी मछली की। ये देखिए, आपने इस तरीके से तीन कट लगा दें, चार कट लगा दें अगर मछली बड़ी है, लेकिन इसके नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी फिश आपको नहीं चाहिए होती, छोटी मछली बिल्कुल आपके लिए सही है। अच्छा जी, आपने देख लिया पॉम्फ्रेट मछली जबरदस्त तैयार है, मिक्सचर बना लेंगे। मिक्सचर बनाने के बाद कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे और डीप फ्राई करेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ पर एक बोल ले लेते हैं, बोल में हम मछली का भी इंग्रीडियंट्स निकालते हैं, बर्गर की तरफ बाद में आ जाएंगे। एक अंडा, एक एक करके अंडे तोड़िए, अलग अलग तोड़िए, जैसे आपने देखा था कि मैंने तोड़ के रखे हुए थे, एक साथ नहीं करना है। एक अंडा आपने ले लिया और इस अंडे में हम डालने जा रहे हैं 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन जा रही है इसके अंदर, जस्ट 1/4 टीस्पून ये चली गई है अजवाइन, ठीक है। एक अंडा और 1/4 टीस्पून अजवाइन, और इसमें शामिल करूंगी मैं नमक तकरीबन 1 चाय का चम्मच। नमक जा रहा है 1 चाय का चम्मच। लहसुन पिसा हुआ, ताजा पिसा हुआ लहसुन 1 चाय का चम्मच, ठीक है। लहसुन चला गया और इसमें नमक चला गया और इसके अंदर हम डालने जा रहे हैं लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच। भर के ले रही हूँ, थोड़ा सा पाकिस्तानी स्टाइल है तो बिल्कुल आप लीजिएगा। हल्दी, टर्मरिक हल्दी 1/4 टीस्पून हल्दी चली गई है, हम एक तरफ कर देते हैं ताकि इन चीजों की अब जरूरत नहीं है। हल्दी चली गई, नमक चला गया, अंडा चला गया, अजवाइन चली गई, ठीक है। उसके बाद इसमें डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला थोड़ा सा मैं इसके अंदर भी डाल रही हूँ और जब हम फ्राई करके निकालेंगे तो इसके ऊपर भी हमें चाट मसाला स्प्रिंकल करना है। 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। चाट मसाले के बाद आ रहा है लेमन जूस, 1 खाने का चम्मच हम इसमें डालने जा रहे हैं लेमन जूस, ये रहा। और सफेद जीरा भून के कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, सफेद जीरा चला गया, लेमन जूस चला गया, और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया लहसुन, और लहसुन के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और जर्दे का रंग, येलो कलर डालूंगी, अभी मैं कलर मंगवा लेती हूँ और कलर डाल के इसमें मिक्स करूंगी और उसके बाद इसमें इसको डिप करेंगे और डीप फ्राई करेंगे। ये हमारे पास कॉर्नफ्लावर है, ड्राई कॉर्नफ्लावर मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून, ये देखिए ये चला गया ड्राई कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून। क्यों डालते हैं, ताकि ये जो बैटर है बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं हो लेकिन पकड़ ले। डाल दिया, कलर डालने के बाद इसको हम मिक्स कर रहे हैं और इसमें डिप कर रहे हैं और डीप फ्राई कर रहे हैं। पॉम्फ्रेट फिश के लिए हमने आपको इंग्रीडियंट्स बताए, हमने लिया था 1 अंडा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 चाय का चम्मच हमने इसमें शामिल किया था लहसुन, ताज़ा पिसा हुआ लहसुन 1 खाने का चम्मच, सफेद जीरा भून के कुटा हुआ, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, अजवाइन और जर्दे का रंग, और 1 टेबलस्पून लेमन जूस। इसको जब फ्राई करते हैं तो प्लीज़ दोनों तरफ से बार बार आप इसको टर्न करते रहना, ताकि दोनों साइड से इक्वल इसकी कुकिंग होती रहे। यहाँ पर इसको मैं टर्न कर दे रही हूँ पकड़ के इस तरीके से इजीली, ताकि थोड़ी सी हेल्प मिल जाए और आराम से हल्की आंच के ऊपर, मीडियम आंच के ऊपर, बहुत स्लो पे नहीं, क्योंकि मछली छोटी है, पॉम्फ्रेट मछली है, छोटी मछली है और आधा किलो में हमें 3 मछलियाँ चढ़ी हैं, सिर्फ 3 मछलियाँ चढ़ी हैं। और जब ये फ्राई होकर निकाल लेंगे तो बेहतरीन हम इसके ऊपर चाट मसाला छिड़केंगे, लेमन के स्लाइस इसके साथ देंगे और उसके साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा, यकीन माने आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो बस एक तरफ से फ्राई हो गई है, टर्न कर दिया, दूसरी तरफ से फ्राई करते हैं और इसको हम बिल्कुल निकाल लेंगे और एक तीसरी मछली जो बची हुई है वो हम डालेंगे। बेहतरीन, टर्न करते जाइए, दोनों साइड से फ्राई करते जाइए और फ्राई करने के बाद इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट के ऊपर, पेपर रख लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो इस पर एब्जॉर्ब हो जाए।
अच्छा जी, यहाँ पर आपने देखा दो मछलियाँ निकाली हैं, तीसरी भी ये रखी हुई है। और मैंने इसको देखिए, आपको मैरिनेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैटर में लगाइए और उसको फ्राई कीजिए। इस वजह से कि ऑलरेडी इसके अंदर हमने नींबू लगा के अपनी जो मछली है उसको रख दिया था, और जो नींबू लगा के मछली को पहले रखा जाता है उस पानी को डिस्कार्ड कर दिया जाता है और साफ मिक्सचर के अंदर मछली डाली जाती है। वो पानी में मछली का अपना फ्लेवर आ जाता है, उसका जो मकसद होता है वो खत्म हो जाता है, उसको निकाल दीजिएगा। ठीक है, कॉर्नफ्लावर बराए नाम कॉर्नफ्लावर दिया था मैंने, और मछली को खुशक कर लीजिएगा वरना बैटर इतना पतला हो जाएगा कि आपको ज्यादा मोटी कोटिंग देनी पड़ेगी, जो हमें नहीं देनी है। ठीक है, अच्छे अच्छे कट्स में भी मसाला भर दीजिए। और ये यहाँ पर आ गई है तलने के लिए। हाँ, साफ कर लेती हूँ मैं। बिल्कुल माशाल्लाह, इससे भी हम फारिग हैं, फिश भी हमारी हो गई है, और इसको हम बस लेमन के स्लाइस काटेंगे और इसको हम उसके साथ डेकोरेट करेंगे।